ओम शांति। 26 अक्टूबर 71 अव्यक्तवाणी। कर्म का आधार वृत्ति। आज प्रवृत्ति में रहने वाले पांडव सेना की भट्टी का आरंभ है। अपने को पांडव सेना समझते हो? निरंतर अपना पांडव स्वरूप स्मृति में रहता है? वा कभी अपने को पांडव समझते हो और कभी प्रवृत्ति वाले समझते हो? निरंतर अपने को पांडव अर्थात पंडे समझने से सदा यात्रा और मंजिल के सिवाय और कोई स्मृति रह सकती है? अगर कोई स्मृति रहती है तो उसका कारण कि अपना पांडव स्वरूप भूल जाते हो। स्मृति अर्थात वृत्ति बदलने से कर्म भी बदल जाता है। कर्म का आधार वृत्ति है। प्रवृत्ति वृत्ति से ही पवित्र अपवित्र बनती है। इसलिए पांडव सेना वृत्ति को सदा एक बाप के साथ लगाते रहे तो वृत्ति से अपनी उन्नति में वृद्धि कर सकते हो। वृद्धि का कारण वृत्ति है। वृत्ति में क्या करना है? अगर वृत्ति ऊंची है तो प्रवृत्ति ऊंची रहेगी। तो वृत्ति में क्या रखे जिससे सहज वृद्धि हो जाए? वृत्ति में सदा यही याद रहे कि एक बाप दूसरा न कोई, एक ही बाप से सर्व संबंध सर्व प्राप्ति होती है। यह सदा वृत्ति में रहने से दृष्टि में आत्मिक स्वरूप अर्थात भाई भाई की दृष्टि सदा रहेगी। जब एक बाप से सर्व संबंध की प्राप्ति की विस्मृति होती है तब ही वृत्ति चंचल होती है। जब एक बाप के सिवाय दूसरा कोई संबंध ही नहीं तो वृत्ति चंचल क्यों होगी? ऊंची वृत्ति होने से चंचल वृत्ति हो नहीं सकती। वृत्ति को श्रेष्ठ बना दो तो प्रवृत्ति ऐटोमेटिकली श्रेष्ठ होगी। इसलिए अपनी वृत्ति को श्रेष्ठ बनाओ तो यही प्रवृत्ति प्रगति का कारण बन जाएगी और प्रगति से गति सद्गति को सहज ही पा सकेंगे। फिर यह प्रवृत्ति गिरने का कारण नहीं होगी। तो प्रवृत्ति मार्ग में रहने वालों को प्रगति के लिए वृत्ति को ठीक करना है। फिर यह वृत्ति के चंचलता की कंप्लेन कंप्लीट हो जाएगी। स्मृति वारुत्ति में सदा अपना निर्वाण धाम और निर्वाण स्थिति रहनी चाहिए और चरित्र में निर्माण। तो निर्माण निर्माण और निर्वाण यह तीनों ही स्मृति रहने से चरित्र कर्तव्य और स्थिति तीनों ही इस स्मृति से समर्थवान हो जाती है अर्थात स्मृति में समर्थि आ जाती है। जहाँ समर्थि है वहाँ तीनों में विस्मृति नहीं आ सकती। तो विस्मृति को मिटाने के लिए यह समर्थ स्मृति रखो। यह तो बहुत सहज है ना। अगर चरित्र में निर्माणता है तो कर्तव्य भी विश्व निर्माण का ऑटोमेटिकली चलेगा। निर्माणता अर्थात निरअहंकारी। तो निर्माणता में देह का अहंकार स्वतः ही खत्म हो जाता है। ऐसे निर्माण स्थिति में रहने वाला सदा निर्वाण स्थिति में स्थित होते हुए भी वाणी में आएंगे तो वाणी भी यथार्थ और पावरफुल अर्थात शक्तिशाली होगी। कोई भी चीज़ जितनी अधिक शक्तिशाली होती है उतनी क्वांटिटी कम होती है लेकिन क्वालिटीज अधिक होती है। ऐसे ही जब निर्माण स्थिति में स्थित होकर वाणी में आएंगे तो वाणी में भी शब्द कम लेकिन शक्तिशाली ज़्यादा होंगे। अभी विस्तार ज़्यादा करना पड़ता है लेकिन जैसे जैसे शक्तिशाली स्थिति बनाते जाएंगे तो आपके एक शब्द में हजारों शब्दों का रहस्य समाया हुआ होगा जिससे व्यर्थवाणी ऑटोमेटिकली समाप्त हो जाएगी। जैसे सारे ज्ञान का सार छोटे से बैज में समाया हुआ है, पूरा ही सागर इस छोटे से चित्र में सार रूप में समाया हुआ है। ऐसे आप लोगों का एक शब्द भी सर्व ज्ञान के राजों से भरा हुआ निकलेगा। तो ऐसी वाणी में भी शक्ति भरनी है। जब वृत्ति और वाणी पावरफुल हो जाएंगे तो कर्म भी सदा
यथार्थ और शक्तिशाली होंगे। यहाँ बैटरी को चार्ज करने आए हो, तो बैटरी को चार्ज करने के लिए सदा अपने को विश्व निर्माण करने का इंचार्ज समझो। अगर सदा अपने को इस सृष्टि के कर्तव्य के इंचार्ज समझेंगे तो सदा बैटरी चार्ज रहेगी। इस चार्ज से अपने को विस्मृत करते हो तभी बैटरी डिस्चार्ज होती है। इसलिए सदा अपने इस कर्तव्य में अपने को इंचार्ज समझो और फिर अपनी बैटरी चार्ज का बार बार चार्ज चेक करो, तो कभी भी संकल्प व कर्म में व आत्मा की स्थिति में डिस्चार्ज नहीं होंगे। फिर यह कंप्लेन कंप्लीट हो जाएगी। यह भी कंप्लेन है ना, सभी में ज़्यादा यह कंप्लेन है। इसका कारण यह है, अपने को सदा ऐसे श्रेष्ठ कर्म में इंचार्ज नहीं समझते हो। जो कर्म मैं करूँगा मुझे देख अन्य करेंगे, यह तो है ही, लेकिन यह स्लोगन और गुह्य रूप से कैसे धारण करना है वह समझते हो। इस पांडवों की भट्टी के लिए यह गुह्य स्लोगन आवश्यक है। वह कौन सा? जैसे यह स्लोगन सुनाया कि जो कर्म मैं करूँगा मुझे देख और करेंगे, वैसे ही जो मुझ निमित्त बने हुए आत्मा की वृत्ति होगी वैसा वायुमंडल बनेगा। जैसी मेरी वृत्ति वैसा वायुमंडल, तो वायुमंडल को परिवर्तन में लाने वाली वृत्ति है। कर्म से वृत्ति सूक्ष्म है। अभी सिर्फ कर्म के ऊपर ध्यान नहीं देना है, लेकिन वृत्ति से वायुमंडल को बनाने का इंचार्ज भी मैं हूँ। वायुमंडल को सतोप्रधान कौन बनाएगा? आप सभी निमित्त हो ना? अगर यह स्लोगन सदा स्मृति में रहे तो बताओ फिर वृत्ति चंचल होगी? बच्चा भी चंचलता कब करता है? जब फ्री होगा। तो वृत्ति भी चंचल तब होती है जब वृत्ति में इतने बड़े कार्य की स्मृति कम है। अगर कोई अति चंचल बच्चा बिजी होते भी चंचलता नहीं छोड़ता है तो उसका और क्या साधन होता है? यही कंप्लेन अभी तक भी है कि वृत्ति को याद में व ज्ञान में बिजी रखने की कोशिश भी करते हैं फिर भी चंचल हो जाती है। तो ऐसे को क्या करना है? उसके लिए जैसे चंचल बच्चे को किस न किस प्रकार से कोई न कोई बंधन में बांधने का प्रयत्न किया जाता है, चाहे स्थूल बंधन चाहे वाणी द्वारा, कोई न कोई प्राप्ति का आधार देकर उनको अपने स्नेह में बांधा जाता है। ऐसे बुद्धि को व संकल्पों को भी कोई न कोई बंधनों में बांधना पड़ेगा। वह बंधन कौन सा? जहाँ भी बुद्धि जाती है उसको पहले चेक करो। चेक करने के बाद जहाँ संकल्प व वृत्ति जाती है उसी लौकिक व देहधारी वस्तु को परिवर्तन करते हुए इन देहधारी व लौकिक वस्तु की तुलना में अलौकिक अविनाशी वस्तु स्मृति में लाओ। जैसे कोई देहधारी में वृत्ति चंचल होती है, जिस संबंध में चंचल होती है वही संबंध का प्रैक्टिकल अनुभव अविनाशी बाप द्वारा करो। मानो प्रवृत्ति के संबंध में वृत्ति चंचल होती है, इसी संबंध का अलौकिक अनुभव सर्व संबंध निभाने वाले बाप से प्राप्त करो। तो जब प्राप्ति की पूर्ति हो जाएगी तो फिर चंचलता की निवृत्ति हो जाएगी। समझा? अगर सर्व संबंध और सर्व प्राप्ति एक बाप द्वारा हो जाए तो अन्य तरफ बुद्धि चंचल होगी। तो सर्व संबंधों से एक ही बड़े ते बड़ा बंधन यही है कि अपनी चंचल वृत्ति को सर्व संबंधों के बंधन में एक बाप के साथ बांधो, तो सर्व चंचलता सहज ही समाप्त हो जाएगी और कोई संबंध व प्राप्ति के साधन दिखाई नहीं देंगे तो वृत्ति जाएगी कहाँ? अपने आप को ऐसे बांधो जैसे दृष्टांत प्रसिद्ध है कि सीता को लकीर के अंदर बैठने का फरमान था। ऐसे अपने को हर कदम उठाते हुए
हर संकल्प करते हुए बाप के फरमान की लकीर के अंदर समझो। अगर संकल्प में भी फरमा के लकीर से निकलते हो तब व्यर्थ बातें वार करती है, तो सदैव फरमा की लकीर के अंदर रहो तो सदा सेफ रहेंगे, कोई भी प्रकार के रावण के संस्कार वार नहीं करेंगे और न ही समय प्रति समय अपना समय इन्हीं बातों में मिटाने के लिए व्यर्थ गवाएंगे। न वार होगा न बार बार व्यर्थ समय जाएगा, इसलिए अफरमा को सदा याद रखो। ऐसे फरमान बरदार बनने के लिए ही भट्टी में आए हो ना, तो ऐसा ही अभ्यास करके जाना, जो एक संकल्प भी फरमा के बिना न हो। ऐसे फरमान बरदारी का तिलक सदा स्मृति में लगा रहे, यह तिलक लगाना, फिर देखेंगे फर्स्ट नंबर कौन आता है। इस तिलक को धारण करने में फर्स्ट प्राइज लेने वाला कौन होता है। अच्छा, ओम शांति।